तुम लोगों को जाए 40 है पूरे अंदर की मैं अंदर की ఏదైతే నేను ప్రామిస్ చేశామో క్లోజ్ చేస్తామని నిన్న క్లోజ్ చేయడం జరిగింది నిన్న డేట్ తో సో ఈ రోజు అందరికి ఇస్తున్నాము మీరు ఇప్పటి నుంచి మీకు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి గాని మా ఆఫీస్ నుంచి గాని ఏసీపీ ఆఫీస్ నుంచి గాని ఎక్కడి నుంచి కూడా మీరు ఎవరు పిలవరు వీళ్ళందరికీ ఈ ఆర్డర్ ఉంది ఈ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా పోతుంది కానీ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ లో కూడా రాసినా ఇక్కడ కింద ఏదైతే మీరు సత్ప్రవర్తన కలిగి లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి ఒక కేసు కూడా లేకుండా ఉన్నందువల్ల క్లోజ్ చేస్తున్నాం అంతేనా అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ ప్రవర్తన మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే పద్ధతి వ్యవహరిస్తున్న జీవన శైలి అదే విధంగా మీ పని చేస్తున్న తీరు పని దగ్గర పని చేస్తున్నారు ఎక్కడైతే వర్క్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని క్లోజ్ చేసినాం కానీ మళ్ళీ ఎక్కడైనా చిన్న ఆఫెన్స్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే మళ్ళీ మీ షీట్ ఓపెన్ చేయబడుతుంది ఇది అందరూ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అరే మా ఇచ్చిన తెలుగు మే బోలా సబ్కు సమజ్నా భాష ముఖ్యం కాదు భావం ముఖ్యం రమేష్ సికందర్ ప్రమోద్ शेख अज्जू शेख इब्राहिम खालिद रब्बानी अब्बुद्दीन जहांगीर आपको अल्लाह अच्छा रखे भाई आज तक जो भी मेरे मारने वाले कैसा बुक करने वाले मिले ऐसे बहुत कम ऑफिसर हैं जो हमारे पास हेल्प करे अल्लाह उनको अच्छा रखे क्या होना हमको नहीं जिंदगी जीने का एक सहारा मिल गया हमारे बजरंग साहब को भी उन्हीं बेचारे सबको दुआ है साहब गरीबों को दुआ दे तमाम हिंदुस्तान के तेलंगाना के हिंदू और मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग ऐसा कुछ गलत काम मत करिए अपनी जिंदगी खराब हुई थी देखिए आप लोग हमारी जिंदगी खराब थी आज तक आज सुधर गई हमारी जिंदगी तेलंगाना की हुकूमत से खुश गुजार हूँ मैं कि हमारी सीट आज क्लोज करे आज मैं आजाद हो गए हम लोग इंशाल्लाह और अच्छी जिंदगी जियेंगे हम डीसीपी साहब हमारे जो है बन करे सीट हम लोग की तमाम तकरीबन 55 रोडी शीटर बनकर क्लोज करें उनका शुक्र गुजार है हम हमारे बाल बच्चों की दुआ होंगी उनको और जो है तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को कि मेरे तरफ से गुजारिश है कि मैं जो है 22 साल से रोडी शीटर हूँ ये तमाम बुरे काम बुरे आदत छोड़ दो अच्छी जिंदगी जियो अपने जरूर बच्चों को पढ़ा के लिखा के रहो अपना बिजनेस अपना कारोबार काम करके अच्छे रहो और हमारे हबीबनगर PSK CA साहब भी नए आए बहुत अच्छे ऑफिसर है उन्होंने भी बहुत गुड और हमारे टास्क फोर्स के भी जवाना और हमारे एसआई साहब सर्कल साहब सब गुड वेरी गुड सर तेलंगाना लिमिट्स में पूरे 13 पुलिस स्टेशन हमारे जितने भी हैं उसमें पूरे राउडी शीटर्स को वेरीफाई करने के बाद पिछले एक साल से मतलब जो भी राउडी शीटर्स को हम काउंसिल कर रहे उनको मतलब 9 साल के बाद अगर से 10 साल तक कम्प्लीट हुए तक कोई भी ऑफेंस नहीं करे जो एक छोटा भी पेटी केस उनके खिलाफ नहीं है रजिस्टर हुआ तो हम लोग उनका वादा किए कि वो पूरे शीट्स इस तरह के शीट्स क्लोज करते करके और ये शीट्स हमारे पूरे वेरीफाई करने के बाद 40 शीट थे हमारे सीपी साहब को बता के सीपी साहब के पूरे फिर एसबी से भी इनका वेरिफिकेशन हुआ होने के बाद आज उनके पूरे ये जितने भी 40 शीट है आज क्लोज करके उनको आज हम लोग बताने वाले हैं कि इनके ऊपर शीट निगरानी अभी आज से पुलिस का बंद है लेकिन फिर आगे ये जाके छोटा भी फिर ऑफेंस करे तो इनके ऊपर फिर ओपन होगा शीट तो जो रिटर्न ऑर्डर में क्लोजर ऑर्डर में वो भी स्पेसिफिकली लिख के आज ये जितने भी क्लोजर है शीट उनको ये क्लोजर का ऑर्डर हैंड ओवर करने वाले कितने पुलिस स्टेशन ये पूरे 13 पुलिस स्टेशन 13 पुलिस स्टेशन में 10 साल एक भी ऑफेंस नहीं है सो जितने भी राउडीज है उनके जो शीट्स है वो आज से क्लोज होंगे इसमें तरह तरह के राउडी शीट्स है बेसिकली कम्युनल ऑफेंडर्स है थोड़े इसमें 8 कोर्ट ऑर्डर लेके 10 साल से भी इनके ऊपर कोई ऑफेंसेस नहीं है इस तरह के 8 राउडी शीटर्स है
बाकी के जो भी है कम्युनल है और बॉडीली ऑफेंसेस 324 से लेके एक्सटॉर्शन से लेके मर्डर केसेस तक भी है, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स से इनके खिलाफ कोई भी नहीं है। इनका जो एरिया में बिहेवियर है, इनका जो रहने का तरीका है, ये सब वेरीफाई करने के बाद उनके नेबरहुड में, उनके जिधर काम कर रहे हैं, ये सब जितने भी मतलब आइटम्स है पूरे वेरीफाई करने के बाद इनके ये डेफिनेटली ये एक अच्छा जिंदगी गुजार रहे मानने के बाद ही ये आज हम लोग क्लोज कर रहे हैं। टोटल कितने रोडी वेस्ट जोन में? करीब 500 रोडी शीटर। अभी हम लोग तो रेगुलरली DCP ऑफिस में मैं खुद बुला के हर पुलिस स्टेशन के रॉडीज़ को कम से कम 6 से 8 बार तक मैं खुद काउंसिल किया इनको सबको, मेरे अलावा फिर पुलिस स्टेशन में बुला के इनको हर हफ्ता हर फॉर्टनाइट उनको काउंसलिंग देते, उसके बाद में ACPs बुलाते उनको। सो इस तरह 3 लेवल में इनका काउंसलिंग रेगुलरली होते रहता। तो इनको अभी हमको इन सब लोगों को बुला के बात करने के बाद यही हम लोग इनको सजेस्ट करें कि 10 साल तक अगर से किसी भी राउडी एक्टिविटी नहीं, छोटा भी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इनके खिलाफ कोई शीट नहीं रहेगा, डेफिनेटली क्लोज करेंगे। और जैसा इनका ये बर्ताव रहेगा सोसाइटी में, उस हिसाब से हमारा भी इनके साथ ट्रीटमेंट रहेगा। तो ये हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स को भी हम लोग बताएं और इस तरह का राउडीज को भी मालूम है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। 40 का शीट हम लोग आप बंद करें तो ये एक एग्जाम्पल है कि वो लोग भी अगर से सही तरीके से रहने का वो लोग डिसाइड करें तो उनका भी शीट आगे जाके बंद हो। सब राउडी शीटर्स है, अगर से वो रिपीटेड ऑफेंसेस कर रहे हैं उनको PD एक्ट में भी अभी 2 लोग हैं उनके ऊपर PD का अभी एक्ट भी प्रपोज करके मैं ऑलरेडी बोला इंस्पेक्टर्स को भिजाने के लिए वो रिकमेंडेशन, तो वो हम लोग CP साहब को भिजाएंगे रिकमेंडेशन और डेफिनेटली उनके खिलाफ PD एक्ट इन्वोक होगा। तो इस तरह का राउडी एक्टिविटी जो भी फिर दोबारा करेगा तो उसके ऊपर सख्त निगरानी रहेगा और PD एक्ट भी इन्वोक करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे।